वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट वन को स्टार्ट करेंगे, जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दोनों रहेगा। अगर आप अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इस चीज़ को नोट्स कर लीजिए। अभी एमसीक्यूज़ का सीरीज़ है, नेक्स्ट जब नेक्स्ट सीरीज़ शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ होगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ होगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगा चैनल में, तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, या क्या सुधारा जा सकता है। जो आपका राय होगा कमेंट में, आप ज़रूर इसको बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट में उसको और बेटर तरीक़ा से बताएंगे, ताकि आपके लिए और अच्छा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे, तो 30 क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह 10 पार्ट तक इसका एमसीक्यू उसको करेंगे, ताकि 300 प्लस क्वेश्चन हो जाए, ताकि एक भी एमसीक्यू आपका बोर्ड एग्ज़ाम में छूटे ना 12 क्लास में। ऐसे ये 12 क्लास का तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, क्योंकि 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इससे जीके जनरल नॉलेज जितना भी है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन है, इसमें सारा चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप नोट्स कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो जैसे सारे वीडियो में बताते हैं कि ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर को बताते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। ये मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे है। हु डिस्कवर मोहनजोदड़ो इन 1922। तो इसका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंधी भाषा का ये शब्द है। मोहनजोदड़ो इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंधी। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज कालीबंगन सिचुएटेड। तो ऑप्शन डी राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन में मिला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगन। वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लग फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका हो जाएगा कालीबंगन, प्लग या प्लग फील्ड हो गया, तो ये कालीबंगन में इसका एविडेंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन, वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड इन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कि जो प्लग फील्ड मतलब जो खेत का, या फिर प्लग जो जुता हुआ खेत है, तो उसका एविडेंस, तो इसका एविडेंस कालीबंगन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासन से की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपोलियन। जो नेपोलियन का तुलना समुद्रगुप्त से किया जाता है। ऑप्शन इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त इज कंपेयर्ड विथ विच यूरोपियन रूलर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन। नेपोलियन से समुद्रगुप्त का तुलना किया जाता है। क्वेश्चन सिक्स देख लेते हैं, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन। जो साक वंश का जो रुद्रदामन जो किंग था, वो अपने अपने खर्च से सुदर्शन लेकर ये रिपेयर किया था। हु रिपेयर द सुदर्शन लेक विथ हिज ऑन एक्सपेंसिव।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन रिपेयर द सुदर्शन लेक विथ हिज ऑन एक्सपेंसेस। 7 क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र सिटी वाज इस्टेब्लिश एट कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गंगा रिवर। इंडिका के लेखक कौन है? तो ये तो सबको ही आप जानते होंगे कि इंडिका इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज इज द ऑथर ऑफ इंडिका। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। Hearing aids are getting better. अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो अशोक वाज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। क्वेश्चन 10, तो ये जो चैप्टर है ऑप्शन क्लास चैप्टर 3 से है, जो चैप्टर नहीं आ रहा बोर्ड एग्जाम में, बट इन क्वेश्चन जानना चाहिए। ये तो महाभारत से रिलेटेड है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये तो आप तो ऐसे भी जानते होंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ये जानना चाहिए बट ये चैप्टर आ ही नहीं रहा तो ये इसको डिस्कस नहीं करते। जो सिर्फ आ रहा बोर्ड एग्जाम है उसको सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेट इनलाइटमेंट? तो बोध गया। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हो गए। ये बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक इज रिलेटेड विच रिलीजियस? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा, तो सॉरी आज डाटा ऑफ नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सॉरी आज के लिए जो आपको इतना डिस्टर्ब हो रहा, डाटा ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऑन ही है इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा, बट उसको आप इग्नोर कीजिए, मेन फोकस आप क्वेश्चन में रखिए। तो 15 क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो जो अकबरनामा, तो अकबरनामा के लेखक, इसमें से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए। हुई द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अबुल फजल ही द ऑथर ऑफ अकबरनामा। तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। तंबाकू पर जहांगीर शासक ने प्रतिबंध लगाया था। विच रूलर बैंड तंबाकू? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, और जो इल्तुतमिश है वो इसका निर्माण कंप्लीट कराया था। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का पूछ रहा था, स्टार्टेड कौन किया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है वो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का पहला शासक है। हुमायूं का भाई कौन है? तो ये तो इसमें से ये बहुत डिटेल से ये है दिया गया है क्वेश्चन, बट इनमें से जो सारा हुमायूं का भाई है, जो कामरान है, अस्करी है, हिंद दाल है, ये सारा ही हुमायूं का भाई है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं का भाई कौन है? तो इनमें से सभी हुमायूं के भाई है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। हु आर द हुमायूं ब्रदर? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सारा जो कमरान है, अस्करी है, हिंदाल है, तो ये सारा हुमायूं का ब्रदर का नाम है।
भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन है कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सबको तो पता ही होगा, जो मुगल वंश का स्थापना कौन किया था, तो बाबर, तो वही सबसे पहला मुगल सम्राट है बाबर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हु आर द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बाबर। तुजुके बाबरी किसने लिखी है? जो तुजुके बाबरी है वो बाबर द्वारा ही लिखा गया, जिसको तुजुके बाबरी को बाबर नामा भी बोला जाता है। ये ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने स्वयं लिखा है। तो हु रोट तुजुक ए बाबरी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बाबर। इसी को अकबरनामा को ही तुजुके बाबरी कहा जाता है। ये जो 21 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किससे संबंधित? तो ये दीन ए इलाही बाबर से संबंधित है। विथ होम दीन आई इलाही इज रिलेटेड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बाबर। सॉरी सॉरी, इसका जो दीन ए इलाही है ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अकबर, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ होम डिड दीन ए इलाही इज रिलेटेड, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अकबर। जो दीन ए इलाही है ये अकबर से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, ये भी विजयनगर एम्पायर से, जो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में, तो फिर भी इसको देख लीजिए। जो विजयनगर साम्राज्य से चैप्टर, तो ये 2021 में चैप्टर को सिलेबस से एनसीईआरटी में हटाया गया है, फिर भी ये जानने का है तो आप जान जान लीजिए, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे, जो जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, फिर भी आप देख लीजिएगा। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो बेसिकली 1336 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बट ये सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, वृक्षाप मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हम्पी में। जो विरूपक्षा मंदिर जो है ये हम्पी में सिचुएटेड है या स्थित है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज विरूपाक्षा मंदिर टेम्पल सिचुएटेड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए हम्पी। फिर ये विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन है, जो कि ये नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, फिर भी अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा, विजयनगर के शासक अपने अपने आप को क्या कहते थे? तो ये राय कहते थे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राय। जैसे कृष्णदेव राय थे, तो ये है। तो ये सब क्वेश्चन, ये चैप्टर आ ही नहीं रहा तो उसको करने का कोई ज़रूरत नहीं, बट नॉलेज के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम बता देंगे। अब जो यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो भक्ति भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी मूवमेंट है, उससे रिलेटेड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। विष्णु, सॉरी, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो जैसे कि मीरा, मीरा भी, एक मिनट, जो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए। जो मीर ऑप्शन ए में मीरा हो गई, ऑप्शन बी में अंडाल हो गई, फिर ऑप्शन सी में करैकाल हो गई। तो विष्णु, जैसे कि कृष्ण, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी कोई विष्णु को अपना पति मानती थी। जो अंडाल हो गई, ये साउथ साउथ इंडिया के है, और जो मीरा हो गई, करायकाल हो गई, तो ये विष्णु को अपना पति मानते थे। हु डिड एक्सेप्ट विष्णु एज ए हस्बैंड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडाल। सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। जो रैदास थे, कवि कवि थे, धन्ना एवं पीपा थे, वो सभी रामानंद के डिसिपल हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु आर द रामानंद डिसिपल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रैदास, कबीर, धन्ना एंड पीपा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किंग एंड क्रॉनिकल है उस चैप्टर से है, जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली में, दिल्ली के पास है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ निजामुद्दीन औलिया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इब्न, ये भी क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से नहीं आ रहा तो, बट नॉलेज के लिए आप लोग जान सकते हैं, बट ये चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से, जो ट्रेवलर से जैसे इब्न बतूता से हो गया, वो इस सब का क्वेश्चन ये, मतलब इस चैप्टर को हटा दिया गया है। सॉरी कि डाटा ऑन है तो बार बार एडवर्टाइजमेंट आ जा रहा है, तो ये एक ऐप से करा रहे हैं तो उसमें से बार बार एडिंग आ जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसमें से आप फोकस कीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। जो जो नहीं आएगा या फिर जो चैप्टर नहीं है उससे रिलेटेड आपको नहीं बताएंगे, जैसे ये चैप्टर उतना, ये चैप्टर आ ही नहीं रहा क्लास 12 में 2021 में, तो इसको नहीं देखते हैं। जो जो आ रहा सिर्फ उसी को देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन एक है, ये भी उसी चैप्टर से है, 29 क्वेश्चन, ये भी उसी चैप्टर से है तो इसको भी नहीं देखते हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप खोजिए, मिल जाएगा। हाँ, ये भी उसी चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1600। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1600 AD में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये रिवोल्ट ऑफ 1857, सॉरी ये जो 32 क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। ये संथाल विद्रोह के नेता है जो 1856 से 1857 के दौरान ये रिवोल्ट हुआ था, तो वो भी डेट पूछा जाता है। मीन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह का नेता कौन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। वो आर द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा 33 क्वेश्चन, कि महलवारी बंदोबस्त को किसने लागू किया है? तो जैसे कि इसमें दिया गया ऑप्शन, जैसे कि मार्टिन वर्ड, बुकनेन रेड या ऑल ऑफ दिस, तो इसमें से ऑप्शन गलत है, एक भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो इसका लॉर्ड मैकेंजी द्वारा महलवारी सिस्टम को, महलवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। आप इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए कि गूगल से या किसी चीज़ से आप लोग चेक कर लीजिए कि ये जो लॉर्ड मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया महलवारी बंदोबस्त को, अगर आप चाहेंगे तो हम इसी टाइम आपको दिखा सकते हैं, देख लीजिए कि किसके द्वारा किया गया है। देखिए इसमें जो हॉल्ट मैकेंजी, जो महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822, तो उसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन सब गलत था, तो इसमें से जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में टिक कीजिएगा, जो हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस द महलवारी सिस्टम, तो आप इसमें इसको टिक कीजिएगा, क्योंकि उसमें तो गलत नहीं होगा, जो ऐप है उसमें गलत दिया हुआ है, तो आप इसमें करेक्ट कीजिएगा, जो महलवारी को व्यवस्था जो था उसको हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में। तो आप देख लिए कि जो महलवारी व्यवस्था है वो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बट आप उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि उलगुनान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। वाई द लीडर ऑफ उलगुलान रिवोल्ट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। जो एक ये क्वेश्चन है ये भी रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। जो दामिन ई कोही का क्या था, क्या अर्थ है इसका, मतलब दामिन ई कोहो का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है भूभाग, मतलब लैंड, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भूभाग। व्हाट वाज दामिन ई कोहो, मतलब लैंड हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये
थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इस बार जो 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। फिर एक क्वेश्चन आ गया जिसका ऑप्शन यहाँ करेक्ट रॉन्ग है, बट हम उसका सही आंसर आपको बताएंगे। बिहार में 1800 बार बार जो ये आ जा रहा है, क्योंकि ये ऐप से हम बता रहे हैं जो कि इंटरनेट से चल रहा है, तो अगर इंटरनेट अगर ऑफ़ कर देंगे तो ये चीज़ नहीं अवेलेबल कर पाएंगे, तो बार बार आपको सॉरी बोल रहे हैं अगर उससे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। बट आप मेन फोकस क्वेश्चन में रखिए और आप क्वेश्चन को नोट बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आगे के लिए। तो जो इसका क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 में विद्रोह के नेता कौन थे? तो जो कुंवर सिंह, सॉरी यहाँ सही से लिखा हुआ नहीं है, जो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं। तो 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में कुंवर सिंह था। हु आर द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आप इसको सर्च कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ। अब जो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ ऑप्शन क्या है, छवेली है, मनु है, मनुकर्णिका है, तो ये तीनों नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। बाई विच अदर नेम रानी लक्ष्मीबाई वॉज नॉन? तो क्या हो जाएगा, छवेली, मनु, मणिकर्णिका, तो ऑल ऑफ डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की विद्रोह का किसने क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वीडी सावरकर। जो वीडी सावरकर हैं, जो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वी डी सावरकर। सावरकर क्वेश्चन है, 1857 की 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो इसका आपको एक्यूरेट डेट आपको पता होगा, तो इसमें टेंशन आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेट डेट है 10 मई 1857। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, 10 मई। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो 10 मई को स्टार्ट हुआ था 1857 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज या रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजी के किला का नाम क्या था? तो इसका जो ऑप्शन है, जो जैसे कि ऑप्शन सी हो गया फोर्ट विलियम, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कलकत्ता में अंग्रेजी किला का नाम फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश फोर्ट इन कलकत्ता? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1911, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। वेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? जो भारत का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ? तो ये 1911 में, 1911 में शिफ्ट हुआ। जो ये क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये हो जाएगा 1510 ईस्वी में, मतलब कि 1510 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1510, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेन डिड
पोर्टुगीज टेक कंट्रोल ऑफ गोवा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 1510 AD। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये तो 11 से ही है बट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ऐसे तो 1949 में ही आया था, इसमें से एक्यूरेट डेट नहीं दिया हुआ दोनों, जो मार्च यहाँ जो 1498 है तो एक 17 मई है, एक 17 मार्च है, तो इसमें से आप ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, डेट मेन है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, क्योंकि ये दोनों जो डेट है एक 17 मार्च है एक 17 मई है, तो ये दोनों गलत है। मेन इसका करेक्ट है 1498। आप गूगल में इसको और अच्छे तरीके से आप गूगल में आप इसको और अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हैं, शायद उसमें 23 मई है होगा, आप चेक कर लीजिए। मेन इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1498 में है, ये मेन है। व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया, तो 1498 में जो कालीकट है केरल में, उस जगह वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम भारत आया था। जो ये क्वेश्चन है 44, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 1872 ईस्वी में। व्हेन डिड द फर्स्ट सेंसस टेक प्लेस एट ऑल इंडिया लेवल्स, 1872। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। इन विच लैंग्वेज इज महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गुजराती। तो जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी की का बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उसको आप कर लीजिएगा अच्छे से, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट 12 में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट जानना चाहिए एक बेसिक नॉलेज के लिए, उस बुक के बारे में पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का बुक का क्या नाम है। तो इसी तरह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसे करके है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1915 को। इसका एक्यूरेट डेट 9th January 1915 को है, जिसको NRI डे भी मनाया जाता है भारत में नेशनल लेवल पे, तो आप उसको कर सकते हैं, जो एक्यूरेट डेट है 9 दिसंबर 1915 में भारत आए थे अमरीका दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। When did महात्मा गांधी return to India from South Africa? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1915 AD को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो ये तो आप इंग्लिश में भी क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर में भी है, जो बिहार से रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, जो चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। तो विच स्टेट इज रिलेटेड विथ चंपारण सत्याग्रह, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे चंपारण गए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन विच रिक्वेस्ट गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, तो राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था। और जो असहयोग आंदोलन को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी कब बंद किए थे और क्यों बंद किए थे, तो जो 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, तो उसके कारण, वायलेंस के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, जो 1922। तो बट इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इन विच ईयर गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1920। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पुनः समझौता
1932 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर पुना पे एक्ट वाज हेल्ड, तो 1932, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो आप सब जानते होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। वो स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के